लेते हैं एक पाव भिंडी, इसको अच्छी तरह से काट देते हैं, सफ़ा भी कर लेते हैं। उसके बाद बेसन मिला, बेसन लेते हैं एक कप, बेसन लेने के इसमें कुछ मसाले डालते हैं, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक स्वादानुसार। उसके बाद डालते हैं सब्जी मसाला, उसके बाद हल्दी डालते हैं थोड़ी सी, उसका इसमें पानी डालते हैं। पानी डालने के बाद में इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, एक डो बन के तैयार करेंगे। देख सकते हैं डो एकदम पतला हो चुका है। उसके बाद चढ़ाएंगे कढ़ाई, कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा तेल। उसके बाद भिंडी को डीप करते हैं, भिंडी को फ्राई करेंगे, हल्का फ्राई, ऐसी भिंडियाँ सारी तेल में सर्व कर लेंगे। उसके बाद इसको पलट लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद में एक प्लेट में से सर्व कर लेंगे, भिंडी पक जाएंगी तब। प्लेट में सब कर चुके हैं, उसके बाद तेल चढ़ाएंगे, कुछ खड़े मसाले डालेंगे, उसके बाद इसमें लहसुन डालेंगे थोड़ा सा खड़ा, उसके बाद प्याज डालेंगे, उसके बाद मसाला डालेंगे, धनिया पाउडर, सब्जी मसाला, उसके बाद हल्दी, स्वादानुसार नमक, लाल मिर्च, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद इसको ढक देंगे। ढकने के बाद 5 मिनट बाद इसको फिर से खोलेंगे, फिर इसको चलाएंगे अच्छी तरह से। उसके बाद जो भिंडियाँ मैंने फ्राई की थी हाफ फ्राई, इसको इसी में सर्व कर देंगे। देख सकते हैं मेरी भिंडी बन के तैयार हो चुकी है, इसे प्लेट में सर्व कर लेंगे। ऐसी वीडियो पाने के लिए अर्जुन किचन को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए रेसिपी में। जय हिंद, जय भारत।